हेलो क्लास 9 हिंदी स्टूडेंट्स, चलिए आज मैं आपको सेकेंड यूनिट एग्जाम के कविता की जो सिलेबस है वहाँ से पेड़ का दर्द कविता, इसका मैं व्याख्या करती हूँ। इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जो तीसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ये नई कविता के कवि हैं, नए तरह की कविताएं लिखने की शौकीन हैं। यहाँ इस शीर्षक से, कविता के शीर्षक से आपको पता चल सकता है कि कवि ने पेड़ का दर्द अर्थात प्रकृति के असंतुलन के बारे में बताया है, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमें उत्साहित किया है। पेड़ कट जाने से प्रकृति कैसे बदल जाती है, पेड़ कट जाने से सिर्फ हमें नहीं बल्कि पेड़ों को भी तकलीफ पहुंचती है, पर्यावरण को तकलीफ पहुंचती है, प्रकृति को तकलीफ पहुंचती है, इसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से। इस कविता में कवि ने पेड़ का मानवीकरण किया है, अर्थात कविता में पेड़ स्वयं अपने कष्ट के बारे में बता रहा है, अपने दर्द के बारे में बता रहा है कि उसे कट जाने का कितना दुख है। कुछ धुआं, कुछ लपटे, कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूं, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। अर्थात पेड़ अभी किस अवस्था में है, पेड़ अभी कट कर लकड़ी के टुकड़े के रूप में चूल्हे में जलने की अवस्था में है और वह अपनी इस स्थिति से बहुत ही दुखी है और हमसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि उसे जंगल में, जब वह संपूर्ण पेड़ के रूप में खड़ा था, आनंदित था, एक संपूर्ण जीवन जी रहा था, उस जीवन की याद उसे अब मत दिलाया जाए क्योंकि वह जीवन उससे छीन लिया गया है और वह अभी अपने जीवन के एकदम अंतिम स्थिति में आके खड़ा हुआ है, वो भी प्राकृतिक रूप से नहीं, उसे जबरदस्ती उसको इस रूप में लाया गया है, इसलिए वो बहुत दुखी है अपने इस परिस्थिति से। पेड़ का ये टुकड़ा, लकड़ी का ये टुकड़ा बहुत दुखी है। हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था, चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती, धामिन मुझसे लिपटी रहती थी और गुलदार उछल कर मुझ पर बैठ जाता था। तो ये बोल कह रहा है लकड़ी का ये टुकड़ा कि मुझे उस समय की याद मत दिलाओ जब मैं जंगल में संपूर्ण रूप से पूरी अपनी टहनियों के साथ, हरी भरी पत्तियों के साथ खड़ा हुआ करता था अपने दूसरे संगी साथियों के साथ, और मुझ पर पक्षियां, मुझ पर छोटे जंगली जानवर सारे आकर के मुझ पर बैठते थे, चहचहाते थे, मुझ पर खेलते थे, उछलते थे, और धामिन सांप जो है वो मेरी डाली में लपेट कर रहती थी। तो ये सब मैं, मुझे इस बात से खुशी होती थी, मैं उनके आनंद से मुझे खुशी होती थी, उन प्राणियों के आनंद से मैं आनंदित होता था और अब मैं उन आनंद के पलों से छीन लिया गया हूँ, इसलिए मुझे उन जंगल, उन दिनों की, उन सुखमय दिनों की याद अब मत दिलाओ। ऐसा बच्चों हमारे साथ भी होता है, हम इंसानों के साथ भी होता है। मान लो हमारी परिस्थिति, हमारी परिस्थिति बिगड़ जाती है, हमारे साथ कोई नहीं रहता है उस समय, जब सुख के दिन होते हैं आसपास हमारे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, लेकिन जब दुख के दिन आते हैं, जब परिस्थिति हमारे साथ नहीं होती है,
तो हम खुद को अकेला पाते हैं और वो पुरानी दिनों की याद हमें दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि उन दिनों को याद करने से मेरी परिस्थिति नहीं बदल जाएगी। जो परिस्थिति अभी मेरे साथ है वो अब उन पुराने दिनों को याद करने से नहीं बदल जाएगी। तो पेड़ की जो कटी हुई कटा हुआ टुकड़ा है लकड़ी का, वो टुकड़ा भी यही कह रहा है कि मैं जो कट चुका हूं, अब पेड़ संपूर्ण पेड़ से जब मैं खंड खंड रूप से कट चुका हूं, तो मुझे उन दिनों की याद क्यों दिलाना, जब मैं पूरा एक हरा भरा वृक्ष के रूप में खड़ा था और जंगल के दिनों की खुशियां महसूस कर रहा था, उपभोग कर रहा था। जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थी, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। तो लकड़ी का वो जलता हुआ टुकड़ा या जलने वाला टुकड़ा, वो क्या कह रहा है कि जंगल की याद अगर उसे कोई दिलाता है तो मुझे बस वही याद आती है कि कैसे मुझ पर इंसानों ने तीखे कुल्हाड़ियां मार मार करके मुझे खंड बिखंड कर दिया था, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, कैसे मेरे शरीर पे आड़ी चला करके मुझे बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया था। मेरे उस दर्द की याद आती है, अब मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। जंगल बात से ही मुझे उस दर्द की महसूस होती है। तो मैं वो एहसास जो मैं एक संपूर्ण वृक्ष था, एक हरा भरा हंसता खेलता वृक्ष था, मैं उस परिस्थिति से मुझे जबरदस्ती मेरे मुझे इस स्थिति में लाया गया है और मुझे इतना दर्द पहुंचाया गया है, तो इस उस चीज की याद मुझे मत दिलाओ। जंगल की याद दिलाने से मुझे उन सुखमय दिनों की याद मुझे नहीं मिल आती है, मुझे उस दुख की याद आती है जब मुझ पर बार बार प्रहार करके, चोट पहुंचा करके मुझे खंड बिखंड कर दिया गया था, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया था। मेरे इस दर्द का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेरी संपूर्णता, मैं जो एक पूर्ण वृक्ष के रूप में खड़ा था, ये मुझसे छीन ली गई। चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूं, बिना यह जाने कि जो हांडी चढ़ी है उसकी खुशबू झूठी है या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी बिना यह जाने कि जो चेहरा मेरे सामने है वे मेरी आंख से तमतमा रहे हैं या गुस्से से वे मुझे उस पर चल पड़ेंगे या वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे। जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, चूल्हे में लकड़ी की तरह, एक फ्यूल की तरह मैं जल रहा हूँ। चूल्हे में मैं खाना पक रहा है मुझसे, जो हांडी चढ़ी हुई है मुझे इस बात की का पता नहीं है, जो हांडी में खाना पक रहा है, जो खाना पकने का जो आवाज आ रहा है, भोजन पकने का जो आवाज निकल रहा है, उससे मुझे ये मालूम नहीं चल रहा है कि पकने के बाद वह भोजन जिसे खाने को मिलेगा उसका पेट भरेगा, उसके मन को शांति मिलेगी या नहीं, इस बात की मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं है कि मैं जो जल के इस भोजन को पकने में सहायता कर रहा हूँ, सो वो भोजन पकने के बाद जो जिसे वो खाने को मिलेगा वो खा करके उसके मन को तृप्ति मिलेगी कि नहीं, ये इस बात की मुझे कोई पता नहीं है। और जो खाना पका रहा है मैं ये भी नहीं जानता हूं कि उसका चेहरा लाल हुआ है वो मेरे जलने से उत्पन्न गर्मी के कारण है या गुस्से के कारण है। मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे उठा करके अंदर आराम से रखेगा या फिर मुझ पे पानी डाल के बुझा के वो चला जाएगा। तो इस बात की उसके मन में क्या चल रहा है, उस इंसान के मन में, इस बात की मुझे कोई खबर नहीं है। मैं तो सिर्फ जले जा रहा हूं। मैं एक अंतिम स्थिति में, अपने जीवन की बिल्कुल अंतिम स्थिति में आकर के खत्म
खड़ा हुआ हूँ। एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं, जिनसे अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़े थी। तो ये क्या कह रहा है कि जो मैं जल रहा हूँ, मेरे जलने से जो एक एक चिंगारी निकल रही है, वो एक एक चिंगारी धरती पे जाके गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि मेरे शरीर से, जंगल में जब मैं खड़ा था, जो मेरे शरीर से पत्ते गिर करके धरती पे, धरती जो कि पेड़ की जन्मभूमि है, पेड़ जन्मता है धरती से, तो पत्ती गिर करके अपने माँ के गोदी में ही गिरती है। तो ये चिंगारी भी ऐसा लगता है मानो कि एक एक पत्ती है जो वापस माँ की गोद में ही, धरती माँ के गोद में ही लौट जाना चाहता है। तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने जननी के गोदी में, अपनी माता की गोदी में फिर से वापस जा रहा हूँ। तो पेड़ का ये टुकड़ा, जलता हुआ टुकड़ा, यही याद दिला रहा है कि जननी और जन्मभूमि, ये इनका स्थान जो है, माँ और मातृभूमि, इसका स्थान जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊंचा होता है, और इनके प्रति हमारा जो खिंचाव है वो किसी भी तरह से बदल नहीं सकता। तो कवि इस कविता के माध्यम से बेसिकली हमें प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करने के लिए कहते हैं, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए कहते हैं, पेड़ों की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं, ताकि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पेड़ों पे निर्भर करने वाले जो पशु पक्षी हैं वो भी उपकृत हो सके, उनको भी लाभ पहुंच सके। क्योंकि पेड़ के कट जाने से उनके रहने का स्थान, उनके खाने पीने की अवस्था में भी बदलाव आ जाता है। तो ये कविता जो है, पेड़ का दर्द कविता, ये एक प्रकृति के संरक्षण के बारे में कवि ने हमारा दृष्टि आकर्षण करने की कोशिश की है।